तो फ्रेंड चलिए आज को भी हम जानते हैं कि YouTube फर्स्ट पेमेंट कब कैसे और कितना देता है। आज के वीडियो में आपके जो है मन में जो भी सवाल होगा तो हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। तो गाइज सपोज़ कि आप एक यूट्यूबर हैं और YouTube में वीडियो बनाते हैं तो आपको ये लगता होगा कि YouTube में यार पैसा कब मिलेगा कैसे मिलेगा। तो YouTube में पैसा तब मिलता है जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, जब आप YouTube का पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा बन जाते हैं। तो चैनल मोनेटाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले जो है आपके चैनल में 1000 का सब्सक्राइबर पूरा होना चाहिए और साल भर के अंदर जो है आपके चैनल में 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होना चाहिए। तो इस चीज़ को कैसे चेक करना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा और वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका चैनल एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है और वहाँ से आप मोनेटाइज कर सकते हैं। और जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपके चैनल में अर्निंग स्टार्ट हो जाता है, आपके वीडियो में एड लगना चालू हो जाता है और वहाँ से व्यूज़ पे आपको जो है पैसा मिलता है। अलग अलग तरह के कैटेगरी का चैनल में अलग अलग व्यू पे जो है अलग अलग पैसा मिलता है। टेक चैनल में लगभग जो है 4 से 5 हज़ार व्यू पे $1 बन जाता है, ठीक है। गेमिंग चैनल में आपको जो है 6 से 7 हज़ार पे $1 बन जाता है, ठीक है। और अब बात करते हैं कि जो है YouTube पेमेंट जो है जब मतलब आपका चैनल में अर्निंग स्टार्ट हो गया तो फिर पेमेंट कैसे देता है, ठीक है। तो पेमेंट जो है आपको एडसेंस अकाउंट के द्वारा बैंक अकाउंट में आता है। सबसे पहले आप जिस जीमेल आईडी से YouTube चैनल बनाए हुए हैं उसी जीमेल आईडी से मोनेटाइज करने के टाइम एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है, गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है। और गूगल एडसेंस अकाउंट में ही जो है आपका जो भी अर्निंग है वहीं पे आपका सारा चीज़ शो होता है और गूगल एडसेंस अकाउंट में ही आपको बैंक अकाउंट वगैरह ऐड करना पड़ेगा और टैक्स इन्फॉर्मेशन भी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपके पास अगर पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। ये सब रेडी रख लेना है, अपने नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए। और अगर आप 18 साल से कम एज के हैं तो आप जो है अपने पेरेंट के भी नाम से जो है उनके अकाउंट का भी यूज़ कर सकते हैं, उनके अकाउंट में पेमेंट मिल जाएगा। और उसके बाद जो है जब एडसेंस अकाउंट में कब मिलेगा, तो जब आपका मान लीजिए कि YouTube पे अर्निंग हो रहा है और एडसेंस अकाउंट पे जब $100 पूरा हो जाता है, ठीक है, चैनल मोनेटाइज होने के बाद आपका जब भी $100 पूरा हो जाए, आप 15 दिन में पूरा कर लीजिए चाहे एक महीने में पूरा कर लीजिए, तो एडसेंस अकाउंट जो है लगभग इंडिया में 22 तारीख को पेमेंट देता है, ठीक है, पेमेंट इशू करता है और फिर कुछ दिन के बाद जो है सप्ताह दिन के अंदर जो है वो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा हो सकता है डिले हो सकता है, आपके जब एडसेंस अकाउंट में $100 पूरा हो जाएगा तो जो है एडसेंस अकाउंट से आपका पेमेंट इशू कर दिया जाएगा और वहाँ पे आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका पेमेंट कब आएगा, तो आपको जो है $100 पूरा होने का मतलब इंतज़ार करना है और उसके बाद बाकी सारा काम कर लेना है और उसके बाद जो है आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो गाइज़ फिर भी अगर जो है कुछ जानकारी चाहिए होगा, कुछ आपके मन में सवाल होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। और वीडियो यार पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।